हेलो, सो टुडे वी टॉक अबाउट माय ड्रीम लेंस। अब ये ड्रीम लेंस कौन सा है और ये ड्रीम लेंस क्यों है, इस वीडियो में हम सारी ये बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। संडे को अचानक से मेरे मन में आया कि कुछ तो चेंज करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, बिकॉज कुछ टाइम से दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और कहीं ना कहीं ये थोड़ी बहुत मेरे टूल्स के ऊपर हैं, बिकॉज मेरे टूल्स मुझे उतना एक्सेस नहीं प्रोवाइड करते हैं जो मुझे चाहिए और जिसकी मुझे अभी नीड है। सो मैंने डिसाइड किया कुछ चेंज लाने का। अब कैमरा तो मैं चेंज कर नहीं सकता था, बिल्कुल ये बजट से बाहर की बात है, तो मैंने सोचा लेंस चेंज कर लेते हैं। तो हम गए गूगल बाबा के पास। गूगल बाबा पर घंटों रिसर्च करने के बाद हमें मिला ये। अब ये था तो हमारे बजट से बाहर, लेना तो था, बिना लिए तो काम चलेगा नहीं। तो हमने डिसाइड किया चोरी करना। किस स्टोर पे जाके चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि कैमरे में चेहरा आ जाएगा। तो हमने सोचा घर बैठे चोरी करेंगे। तो ये लेंस है सिग्मा का 30mm f1.8 और ये एम माउंट का लेंस है। तो मैंने यही लेंस क्यों लिया और इसके बहुत सारे रीजंस हैं, बट सिंपल लैंग्वेज में ये वन ऑफ द बेस्ट लेंस है मेरे कैमरे के लिए। कैनन m50 सेम वेरिएंट में एक 60mm भी प्रोवाइड होता है, बट 60mm बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है और आप हर सिचुएशन में 60mm का यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा वाइड एरिया करता है। आप अगर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हो तो 60mm से पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती मुझे। मेरे जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि वाइड एंगल से पोर्ट्रेट फोटो शूट करना। तो 30mm इसलिए मुझे बेस्ट लगा, बिकॉज मैं इंडोर शूट करता हूँ, तो मुझे मेरे रूम के हिसाब से भी एक लेंस लेना था जो पास रहकर थोड़ा सा अच्छा बैकग्राउंड प्रोवाइड कर पाए मुझे। तो मुझे 30mm इसलिए बेस्ट लगा। अभी आप जो फुटेज देख रहे हो वो मेरे 50mm से शूट हो रहा है, कैनन 50mm f1.8। इससे ये प्रॉब्लम है, सेम पोजीशन है, सब कुछ सेम है, बस लेंस चेंज किया है तो इतना अंतर आ जाता है। बैकग्राउंड बहुत अच्छा देता है, ये बोके इफेक्ट बहुत अच्छा देता है, बट इतना क्लोज आकर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसे शूट करने में। अब हर टाइम वीडियो में मैं चेहरा नहीं शो कर सकता ना। और मेरी वीडियो देखने वाले लोगों को मैं एक छोटी सी एडवाइस और देना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि आपका कैमरा अच्छा शूट नहीं कर रहा, तो ज़रूरी नहीं है ये आपके कैमरे की फॉल्ट है, ये आपका भी हो सकता है और आपके लेंस का भी, बिकॉज एक वीडियो शूट या फोटो शूट में बहुत सी चीज़ें काम आती हैं। ये नहीं कि आपने सोचा आपका कैमरा ही सब कुछ है, आपके कैमरे के अलावा भी बहुत और चीज़ें हैं जो एक फ़ोटो को अच्छा बनाने में वर्क करती हैं। सो एज़ सुन एज़ पॉसिबल मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी शूट करके वीडियो और फोटोज़ का टेस्ट करके आपके साथ शेयर करूँ और दिखाऊँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट लेंस क्यों हैं। बाय।